कोतवाली नगर में पानी घुटवन, बाजारों पानी घुटवन, एसएसपी ऑफिस में पानी घुटवन, एसएसपी आकर कैसे इतने पानी में आके बैठते हैं? या डीएम कार्यालय हो आप देख रहे हैं पीपीडी खबर। नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा के जिला मुख्यालय से है। यहां शहर के हालत बद और बदतर नहीं बल्कि इससे भी आगे कोई शब्द है तो उससे भी खराब है। इस जिले का जल निगम भ्रष्टाचार में तो पहले से ही आखंड डूबा हुआ है, परंतु अब हद दर्जे की हद करते हुए जल निगम ने शहर वासियों की जान से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। लोग बाइक सहित गड्ढों में गिर रहे हैं, टिर्री आए दिन पलटती रहती हैं। हमारे द्वारा लिए गए ये चित्र शहर की हालत बयां करने के लिए पर्याप्त हैं। यहाँ के सांसद हों या विधायक, पालिका अध्यक्ष हो या सभासद, जल निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों ने सबके मुंह पर टेप चढ़ा दिया है। आखिर क्यों कोई बोलने को तैयार नहीं है? तीन गुना से भी अधिक समय हो गया, परंतु सीवर लाइन बनकर तैयार नहीं हो पाई। जब तक जल निगम के ये बड़े अधिकारी भाटी साहब बैठे हैं ना, तब तक सीवर लाइन के पूरे होने की उम्मीद करना भी व्यर्थ है। कहने में कोई हर्ज नहीं है कि शहर की खस्ता हालत के लिए 10% नगर पालिका तो 90% एटा का जल निगम दोषी है। जल निगम सीवर लाइन का काम तो करा रहा है, पर सभी नियम कानून ताक पर रखकर। कागजों में तो हर जगह बैरिकेडिंग लगे हुए हैं, परंतु मौके पर कुछ नहीं। जनता मरे या जिए, इससे जल निगम के अधिकारियों का कोई लेना देना नहीं है। न जाने किसकी बलि लेना चाहता है ये जल निगम। पालिका अध्यक्ष मीरा गांधी के पति एवं प्रतिनिधि राकेश गांधी से पीपीडी खबर ने फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि वे जल निगम पर नकेल कसने की कई बार कोशिश कर चुके हैं, परंतु जल निगम अपने पुराने थर्रे पर ही चल रहा है। उन्होंने कहा कि शहरवासी नगर पालिका को गलत कोसते हैं। सभी जानते हैं कि सीवर लाइन डालने का काम नगर पालिका नहीं बल्कि जल निगम करा रहा है। न जाने क्यों प्रदेश सरकार को सीवर लाइन बिछाने के इस प्रोजेक्ट को पूरा कराने के लिए भाटी के अलावा दूसरा इंजीनियर नहीं मिल रहा। खैर, आइए इस संबंध में बात करते हैं शहर के कुछ नागरिकों से। एटा से शिव कुमार पाठक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर व लाइक करना ना भूलें। शिव कुमार दीक्षित जी, शहर में जल भराव है, इसमें आप किसको दोषी मानते हैं, जल निगम को या नगर पालिका को? अब अभी मेरे आईडी से नगर पालिका के हेलो भरा है नहीं, अभी तो हम जल निगम को दोषी माने हैं। और बाकी तो ये जल भराव तो हो ही रहा है, हर जगह हो रहा है। बाबूगंज रह गया, बाबूगंज देख लो, हाथीगंज देख लो, घंटा का रोड देख लो, बाकी गड्ढे भी इतने हो रहे हैं कि यहाँ पटके खा रहे हैं भाई। कुछ लोग भी जाते आते तो पटक खा के गिर जाते, चोट वोट भी आ जाती है उनकी, तो क्या करें, परेशान है आदमी। आपका तो कुमार गोयल बोलिए, शहर में जल भराव चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में ये है कि जो शहर में सीवर लाइन चल रही है वो सारी जिम्मेदारी जल निगम की है। अभी सीवर लाइन का काम कंप्लीट नहीं हुआ, नगर पालिका की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। सीवर लाइन वाले अधिकारी आँख बंद करके क्या ऑफिस में बैठे जाते हैं, ना शहर में निकलते हैं, ना गलियों में निकलते हैं। कोतवाली नगर में पानी घुटवन, बाजारों पानी घुटवन, एसएसपी ऑफिस में पानी घुटवन, एसएसपी आकर कैसे इतने पानी में आके बैठते हैं? या डीएम कार्यालय हो पानी भरता है, डीएम कैसे आके बैठता है? घर वाले कैसे जाएंगे घर है? नहीं आप बताइए ना, कोई अधिकारी इसमें ऑब्जेक्शन क्यों नहीं ले रहा? जिसमें आप जल निगम को दोषी मानती हैं 100%। भाई जब तक सीवर लाइन का काम जारी है तो तुम जल निगम का दायित्व, जल निगम अपनी दायित्व सब काम करवा। नाम है आपका? मनोज कुमार राठौर। राठौर जी, वो शहर में जल भराव की समस्या है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जल भराव की समस्या इसलिए है कि सबसे पहले तो यहाँ जो नालियाँ हैं वो हमारी नगर पालिका उन पर बिल्कुल बंद नहीं कर रही, उनको साफ नहीं कर रही, जिससे कि
जो सीड निकालनी चाहिए वो सीड भी बिल्कुल नहीं निकाल रही है और उसमें पानी जाता ही नहीं है बिल्कुल भी। अरे शहर में सीवर लाइन खुदी हुई है, इसके बारे में सीवर लाइन का हम ये कहेंगे कि सीवर लाइन जो खुदी हुई है और इन्होंने सड़कें बना रखी हैं, मट्टी दब नहीं पाई है, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, सड़क धस रही है, उससे बहुत असुरक्षित है, वाहन गिर रहे हैं, लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे शासन प्रशासन या जल निगम या ऐसी कोई भी संस्था है जिन्होंने सीवर लाइन को बनाई है वो अनदेखी कर रही है और आदमी असुरक्षित है और मौत के मुंह में जा रहा है, उनके जीवन में चलने वाली दुर्घटना किसी समय भी हो सकती है।